अगली खबर लेते हैं। सौभाग्य वर्मा के पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं सौभाग्य। ग्रैंडसन होने की खुशी में यह कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। जेएस बाफना, वैभव गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं सौभाग, उनके यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है। ग्रैंडसन के जन्म की खुशी में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कई गणमान्य लोग हैं। मुख्यमंत्री भी हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी पहुंची हैं, वैभव गहलोत भी वहाँ पर मौजूद हैं। और बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं। एक बड़ा आयोजन रखा गया है। तो मुख्यमंत्री के निजी सचिव सौभाग्य वर्मा के पारिवारिक कार्यक्रम, ग्रैंडसन होने की खुशी है जिसका जश्न मनाया जा रहा है, और इसमें कई गणमान्य लोगों को, कई अधिकारियों को, कई VVIPs को इनवाइट किया गया है, जिस मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया गया। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, उनके बेटे और कांग्रेस नेता वैभव गहलोत भी वहां पर हैं, जेएस बाफना भी हैं। तो देखिए, लोगों से मंत्रणा करते हुए, बातचीत करते हुए, और जब भी कोई उनको इनवाइट करता है मुख्यमंत्री को, तो ये खासियत होती है, फिर चाहे वो खुशियों में इन्विटेशन की बात हो, तो वहाँ पर वो ज़रूर पहुँचते हैं। और कहीं पर अगर कोई दुख की घड़ी होती है, तब भी वो ज़रूर शरीक होते हैं, और यही एक कनेक्शन होता है मुख्यमंत्री का। तो देखिए, मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए भी लोगों में काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है। जो लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, वो सेल्फी ले रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। ख़ासतौर पर अगर आप यूथ्स को देखिए, तो उनमें बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिलता है। देखिए, एक छोटा बच्चा भी, और जिस बात के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री, देखिए उसको और करीब लाकर सेल्फी लेते हुए। किसी को मना नहीं कर रहे हैं वो सेल्फी लेने से। कोई भी अगर उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है, फोटो लेना चाहता है, तो वो ठहर जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं, बाकायदा पोज भी देते हैं सेल्फी के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है जब भी किसी खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, और ये कार्यक्रम खास है, बेहद खास है, क्योंकि उनके बेहद करीबी सौभाग्य वर्मा, जो उनके निजी सचिव हैं, उन्होंने इन्वाइट किया है। उनके घर में खुशियाँ आई हैं, ग्रैंडसन का जन्म हुआ है, तो मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं इन खुशियों में शामिल होने के लिए। उनकी पत्नी भी उनके साथ पहुंची हैं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, और कई अधिकारी, कई VVIPs यहां पर इस कार्यक्रम में इनवाइट किए गए हैं। कहीं से भी इनविटेशन मिलता है, तो मुख्यमंत्री की कोशिश ज़रूर होती है कि वो वहाँ पर पहुँचें। और अब जब बात अपने निजी सचिव की आती है, तो अपने अधिकारियों के साथ उनका अलग ही कनेक्शन होता है। कई दफ़ा आपने देखा था कि अधिकारियों को कैसे वो फटकार भी देते हैं, कई दफ़ा पुचकारते भी हैं। और जैसा एक मुखिया का रोल होता है, परिवार के मुखिया को भी जब आप देखते हैं, तो कभी वो सख्त होता है, कभी नर्म होता है, वही स्वरूप यहाँ पर, वही रूप यहाँ पर देखने को मिलता है सीएम अशोक गहलोत का। और ऐसे में निजी सचिव जब उनको इनवाइट करते हैं अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए, तो मुख्यमंत्री अपने परिवार समेत पहुंचते हैं। और देखिए, अब यहाँ पर जच्चा बच्चा को आशीर्वाद देते हुए, और जो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब भी आप नवजात बच्चे को मिलते हैं पहली बार, तो शकुन जरूर देते हैं। तो देखिए, शकुन का लिफाफा भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर थमाया है बच्चे को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ गए। नरेश, ये तस्वीरें बेहद खास है, जो परंपरा रहती है, देखिए उनको यहाँ पूरी तरीके से निभाया जा रहा है, और मुख्यमंत्री की पत्नी के गोद में ये बच्चा दे दिया गया आशीर्वाद देने के लिए, और लिफाफा भी पकड़ाया गया, कहते शगुन नहीं, आशीर्वाद है। आगे क्या कुछ होगा?
देखिए पारिवारिक कार्यक्रम है सुबह वर्मा के यहाँ पे, उनके जो ग्रैंडसन हुआ है उसका कार्यक्रम है, और जैसे राजस्थान में जो परंपराएं रही है सामाजिक परंपराएं है उसका निर्वहन यहाँ किया जा रहा है। ऐसे में तमाम जो मेहमान है वो यहाँ आए हुए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आए हैं, उनकी पत्नी सुनीता गहलोत है वो यहाँ पे है। कुछ देर पहले वैभव गहलोत भी आए थे, हालांकि वो जो बातचीत देने के बाद रवाना हो चुके। धर्मेंद्र राठौड़ है वो यहाँ आए हैं, रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री, इसके अलावा विधायक आदर्श नगर के रफीक खान वो भी यहाँ पे आए हैं, और ब्यूरोक्रेसी के और इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी है कई वो भी यहाँ है, और जो सीएमआर है या सीएमओ है उनके जो अफसर है वो भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम है। ऐसे में जिनके साथ काम करते हैं उन सभी को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है, जिनके साथ हमेशा और जो मुख्यमंत्री की जो टीम है टीम के सदस्य है उन सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया, सभी जो ग्रैंडसन जो है सुभाष वर्मा के उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं पारिवारिक और निजी कार्यक्रम है, और क्योंकि सुभाष वर्मा काफी नजदीक रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, ऐसे में मुख्यमंत्री भी एक तरीके से पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले सीएमओ में थे काफी व्यस्त थे, और बाद वो के माँ आवाज जाके और सुनीता को लेकर साथ में यहाँ पे आए हैं, और बच्चे का आशीर्वाद भी दिया। तस्वीरें काफी तस्वीरें जो है पत्रिका के माध्यम से देख पा रहे हैं दर्शक की किस तरह से जो सुभाष वर्मा और उनके परिजनों ने के साथ भी जो है मुख्यमंत्री ने जो प्रतिक्रियाई है, सुभाष वर्मा ने जो है वो मुख्यमंत्री का वेलकम किया यहाँ पे और गेट के बाहर, उसके बाद अंदर भी अब जो मुख्यमंत्री है तमाम जो मेहमान आए हैं उनसे मुलाकात जो है वो कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अभी काफी ये कह सकते हैं कि कुछ समय यहाँ मुख्यमंत्री रुक सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे पुराने लोगों से भी मुख्यमंत्री मिले हैं जो मुख्यमंत्री के साथ काम किए हैं, जो मुख्यमंत्री के परिचित हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है। मुख्यमंत्री के पूर्व जो प्रेस सलाहकार है मोहम्मद यासिन वो भी यहाँ पे मौजूद है, और भी कई ऐसे लोग हैं क्योंकि देखे जिनको आमंत्रित किया है वो खास लोग है, नजदीकी लोग है। ऐसे में सामाजिक कार्यक्रम में अमूमन जो है राजस्थान की परंपरा रही है, जयपुर की परंपरा रही है कि लोग यहाँ पे आते हैं, और शगुन के रूप से आपने कहा कि मुख्यमंत्री की जो पत्नी है वो मौजूद है, मुख्यमंत्री लिफाफा भी दिया, शगुन होता है आशीर्वाद के। अच्छा एक चीज नरेश यहाँ पर बहुत खास हो जाती है, शासन और प्रशासन का जो संबंध होता है वो किसी से छुपा नहीं, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त, लेकिन जब आप बहुत टाइम तक किसी के साथ काम करते तो एक अलग कनेक्शन होता है। क्या वही कनेक्शन है जो चेहरे पर मुस्कान के तौर पर दिखाई दे रहा है? अशोक गहलोत काफी यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे, लग रहा है कि उन्हीं के घर में कार्यक्रम है। देखिए हमने पहले भी कई ऐसे दृश्य देखे हैं, मुख्यमंत्री का ये मिजाज रहा, उनका स्वभाव रहा है कि जो भी उनके साथ काम करने वाले हो या नए करने वाले, जिनके परिचित हो या जिनके जिनके साथ पुराने समय में रहे हो, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हो, चाहे मीडिया जगत के लोग हो, या उनके निजी स्टाफ का मामला हो, तो मुख्यमंत्री उनके जितने भी इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं जब जयपुर में होते हैं समय निकाल के मिलने जरूर जाते हैं। बिल्कुल, और यही खासियत है कि कोई अगर प्यार से इनवाइट करता है तो कोशिश यही होती है मुख्यमंत्री की, जैसा हम देखते भी रहे कि कई कार्यक्रमों में वो पहुंचते हैं और जब कहीं कोई दुख की घड़ी होती तो भी शरीक होते हैं, और देखिए यहाँ पर कैसे बच्चे को वो दुलराते हुए और चेहरे की हंसी देखिए, खुशी देखिए। ग्रैंड सन यहाँ पर सौभाग्य वर्मा का हुआ है, ग्रैंड फादर बन गए हैं, लेकिन दूसरी तरीके से अगर देखिए पारिवारिक जो संबंध हैं तो उस लिहाज से दादाजी अशोक गहलोत भी हैं, और वो खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसे यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, बच्चे को उनकी गोद में दिया गया, शगुन का लिफाफा पकड़ाया गया, आशीष दिया गया, और ना केवल छोटे मुन्नी बच्चे को आशीर्वाद दिया गया बल्कि बच्चे के पापा और मम्मा को भी आशीर्वाद यहाँ पर दिया गया। और आपने देखा कि कैसे यहाँ पर लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कुछ देर तक यहाँ मुख्यमंत्री रुकेंगे ठहरेंगे इसकी संभावना है, और उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नरेश डिनर के बाद निकलेंगे या उसके पहले ही संभावना? तो सौभाग्य वर्मा के पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, निजी सचिव हैं सौभाग्य वर्मा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कनेक्शन कितना ज्यादा गहरा है, और वो तस्वीर भी देखिए जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, साफा पहनाकर पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया, उसके बाद सेल्फी लेने वालों की होड़ सी लग गई, और जितने भी परिजन यहाँ पर जो नियर एंड डियर हैं सौभाग्य वर्मा के, वो चाहते हैं कि इन तस्वीरों को कैद कर लिया जाए,
कि एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उनके साथ शामिल हुए थे, हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनसे हाथ मिलाना चाहता है, उनके साथ फोटो लेना चाहता है, और मुख्यमंत्री बाकायदा सबको प्लीज करते हुए, सबको सबका अभिवादन करते हुए, सबको रिस्पॉन्स देते हुए, और ये बहुत खास तस्वीरें हो जाती हैं कि सूबे का मुखिया अगर इस तरीके से एकदम आम लोगों के बीच में घुल मिल जाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है, उनका हो जाता है, तो यही एक वजह है कि अशोक गहलोत जनप्रिय नेता कहलाते हैं, जननायक कहलाते हैं। अब देखिए डिनर शुरू हो गया है, तरह तरह के पकवान बनाए गए हैं, उन पकवानों का स्वाद चखा जा रहा है, रिश्तों की मधुरता के साथ साथ इन पकवानों की मधुरता मिठास। और इसी के साथ